वेलकम बोलता किचन। आइए मैं अपने स्टाइल में पास्ता बनाना सिखाती हूँ। पास्ता बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट जरूरत है वो है 100 ग्राम पास्ता, एक बड़ा अनियन, कैप्सिकम हाफ, थोड़ा सी गाजर, मटर, हर एक चटनी जिसमें दो टमाटर, दो सूखी मिर्च भिगो हुए, लहसुन की कुछ कलियां, लाल मिर्च, नमक देके ग्राइंडिंग करके इसका पेस्ट बना के इसका चटनी तैयार की है। गार्निशिंग के लिए धनिया पत्र, रिफाइंड ऑयल, एक चम्मच पास्ता मसाला और दो तीन चम्मच सॉस और स्वाद अनुसार नमक। और पास्ता बॉईल करने के लिए पानी, गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाइए, उसमें दो ग्लास करीब पानी डाल के बॉईल करना है। अच्छी तरह से पानी को बॉईल करने के बाद पास्ता के लिए पानी गर्म हो चुके हैं, उसमें हम हाफ चम्मच अपने स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। इसमें थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल, बस दो चार बूंदे, पूरे पास्ता डाल दिए। अब पास्ता को अच्छी तरह से पानी में मिला के बॉईल करने के बाद सारा पूरा अच्छी तरह से बॉईल करना है। बीच बीच में पास्ता को अच्छी तरह से मिलाना है, नहीं तो नीचे चिपक जाएंगे, इसलिए अच्छे से मिला के इसको बॉईल कर लेते हैं। पास्ता कैसे बॉईल हो गया आप समझेंगे, बीचों बीच एक पास्ता को काटिए, इस तरह से कट जाने से आप समझ जाएंगे पास्ता बॉईल हो गए हैं। पास्ता हमारा बॉईल हो गया, अब हम इसको पानी निकाल के वापस आते हैं। पास्ता से पूरी पानी निकाल के पास्ता को लेके आए, अब बस पैन को गर्म होने पे उसमें ऑयल डालिए, 3-4 स्पून ऑयल डालिए। उसमें ऑयल डाल के ऑयल थोड़ा गर्म होने पर ऑयल गर्म होने पे आप उसमें प्याज डालिए, गाजर, हरी मटर, कैप्सिकम, अच्छे से मिलाइए। हल्का थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अच्छे से थोड़ा हल्के फ्राई करके इसमें आप पास्ता डाल दीजिए। बॉइल पास्ता आप डाल दीजिए इसमें, अच्छे से मिलाइए इसे। थोड़े से मिलाने के बाद जो हमने चटनी बनाए थे वो चटनी हम इसमें 2-3 चम्मच 4 चम्मच और डाल दीजिए, अच्छे से मिलाइए।
अच्छे से मिलाइए, नहीं तो चिपक जाएंगे। चटनी को देखे मिक्स करने के बाद आप सॉस, केचप सॉस डालिए, ओनली टमाटो सॉस, 2-3 स्पून टमाटो सॉस अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद पास्ता मसाला 1 चम्मच, पास्ता मसाला अच्छे से मिला के अच्छे से थोड़ा फ्लेम मीडियम रख के अच्छे से थोड़ा से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से 1 मिनट तक अच्छे से मिला के अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप पास्ता बनाइए और ट्राई करिए मेरा रेसिपी कैसा लगा आपको। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे आपको कैसे लगा पास्ता। वुमेन्स डे है इसके लिए मेरी तरफ से सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे। ये मेरी पहली वीडियो है, आप हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। पास में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपके नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स।